तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम गिरडी में जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जन प्रतिनिधियों के साथ आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर झारखंड के गिरिडीह जिले में भी खास उत्साह देखने को मिला। गिरिडीह से भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र में घर घर घूमकर अमृत कलश यात्रा के लिए मिट्टी जमा की। हमारे देश में पहली बार जो हमारे सैनिकों ने अपने जान देश की रक्षा के लिए निछावर किया है, उनकी याद में पौधारोपण करने का ये अनोखा प्रयोग है, इससे देशवासियों में एकता का संचार होगा। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के खरगडीहा में मुखिया सुनीता देवी ने स्कूली बच्चों को मेरा माटी मेरा देश अभियान को लेकर जागरूक किया, तो पूर्व मुखिया महेंद्र प्रताप वर्मा ने भी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। मेरा माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग पूरे मोहल्ला से, देश में झारखंड के हर घर से माटी हम लोग संग्रह कर रहे हैं, जो दिल्ली जाएगी, वहाँ पे एक अमृत वाटिका का निर्माण होना है। देश के हर एक जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लाल, उनके नाम से वृक्षारोपण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर न केवल भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि आम आदमी भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत केरल में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम के पूवाचल में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने एक सैनिक के घर जाकर अमृत कलश यात्रा के लिए मिट्टी एकत्रित की। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए जान कुर्बान करने वालों को देश हमेशा याद रखेगा और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाने वाली अमृत वाटिका उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि है।